प्लीज वेलकम रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल एंड हाई फ्लायर पवन सहरावत। आप दोनों का केबीडी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। पवन, पहला सवाल, होम लेग की शुरुआत अपनी पुरानी टीम के खिलाफ हार से हुई और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि आप अपने रेडर्स से कितने नाराज थे, ऐसे में कितना फ्रस्ट्रेटिंग और चैलेंजिंग होता है कमबैक करना और परफॉर्म करना? देखिए, अगर सेकंड राइडर स्कोर नहीं करेगा, रिवाइव नहीं करेगा या बोनस पॉइंट नहीं लेके आएगा तो सामने वाली टीम लीड लेगी। और जहाँ तक मैं मैच में देखा, सिर्फ दूसरे राइडर के 4 पॉइंट थे, वो भी 2 पॉइंट उन्होंने बोनस दिए थे और एक बार रणिया से गलती हुई थी, बोनस प्लस लेके गया। अदरवाइज़ थोड़े बहुत रिवाइव के लिए पॉइंट चाहिए होते हैं सेकंड राइडर से या डिफेंस से। हाफ टाइम तक सिर्फ 2-3 मतलब सुपर टैकल की वजह से हम लीड कायम थी, अदरवाइज़ 6-7 में कोई टैकल इतना अच्छा कर नहीं रहे थे। तो टीम का सपोर्ट होना ज़रूरी है, टीम जैसे ही सपोर्ट करेगी ऑटोमेटिकली मैं रेडर हूँ या कोई सेकंड रेडर है अपने आप स्कोर कर देगा। जी बिल्कुल, हम आपसे बिल्कुल अग्री करते हैं। प्रदीप, आपके साथ थोड़ा उल्टा हुआ, आपके रेडर्स शिवम और गगन पॉइंट्स लेकर आए पर आप थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए, क्या डिफेंस को डीप अटैक करने से आप अपने आप को रोक रहे थे? बिल्कुल, देखो डिफेंस ने एक दो गलतियाँ करी शुरू में, मतलब हाफ टाइम के बाद मतलब डिफेंस अच्छा खेला, मतलब गगन है जैसे वो शिवम गगन ने 6 पॉइंट लेकर आए, मैं चल पा रहा था उन्होंने मेरी कवर किया मतलब की। जी बिल्कुल, और हमने देखा यहाँ पर कि आप थोड़ा स्ट्रगल करते नज़र आ रहे थे, कोशिश आप पूरी कर रहे थे पर डेफिनेटली थोड़े से नाकाम रहे। पवन, तेलुगु टाइटंस अभी भी प्लेऑफ्स में पहुँच सकते हैं, सो ऐसे में पवन द कैप्टन का मैट पे होना कितना ज़रूरी है क्योंकि टीम को बिलीफ मिलता है? मैट पे तो हैं अभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने 13 मैच खेले हैं, 12 मैच तो मैट पे ही होके खेल रहा हूँ, मैट से बाहर नहीं, तो मतलब आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना बेसिकली मैट पे। ये टाइम स्पेंड करना 6 प्लेयरों के हाथ में है, मतलब मुझे कितनी देर, अगर मैं एज ए मेन रेडर हूँ, मुझे मैं सबसे ज़्यादा रेड करूँगा तो टैकल भी मेरे ही होंगे, स्कोर भी मैं ही करूँगा, तो रिवाइव करने का काम वो मेरी टीम का है। और मैं भी आज काफी अच्छा कमबैक करेगी, रिवाइव अच्छे से करेगी, वी होप द सेम। प्रदीप, योद्धाज भी प्लेऑफ से पहुंच सकते हैं, तो आपको अपने आप को बैक करना कितना जरूरी है? देखो, खुद को बैक करना बहुत जरूरी है, डिफेंस में भी बहुत जरूरी है, मतलब टीम के लिए मतलब चलना, डिफेंस चलेगा तो ऑफेंस तो ऑटोमेटिक चल जाएगी, क्योंकि 3 रेडर होते हैं टीम में, एक ना एक तो चल ही जाता है। वेल, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉर ऑफ स्टार्स।